हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से कनेक्ट करो। गुड मॉर्निंग नीश, विनोद, पलाश, देवाशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी भी डबल आवाज आ रही है? अभी ठीक है? अभी भी डबल आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग, जय माता दी बेटा। ओके, आयुष है, हेलो आयुष। दीप सिंह, वो लिविंग होता है बेटा, जब आप लोग उसे यूज करते हो तब आप लोग उसकी आउटर मोस्ट लेयर को काट देते हो। जब किसी भी चीज को आप उसकी जगह से निकाल देते हो तो बेटा वो लिविंग नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैंगो खाते हो, मैंगो इज लिविंग जब तक वो पेड़ पर है। जब आपने मैंगो को तोड़ लिया तो इट इज नॉन लिविंग। सेम इसी तरीके से स्पॉन्ज इज लिविंग अंटिल ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा है। जब आप उसे वहां से निकाल कर रॉक पे लगता है, वहां से निकाल कर ले आते हो, जब हम निकालते हो तो बाहर से आप इसके स्पिक्यूल्स को काट देते हो, देन यू यूज दैट स्पॉन्ज एज बाथ स्पॉन्ज, तब ये नॉन लिविंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो कोई तो पढ़कर आया, हैप्पी फाइनली। अभी भी डबल साउंड, सबको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, दो आवाज आ रही है क्या? जी रूपेश, हेलो मैम, हेलो, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुको, विल चेक इट। अभी ठीक है? बिल्कुल सही दीप श्री, जैसे आप एक पर्ल को निकाल लेते हो, पर्ल इज लिविंग जब तक इट इज प्रेजेंट इनसाइड द शेल। पर्ल इज कंप्लीटली नॉन लिविंग जब वो बाहर निकाल लेते हो। हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल, अब ठीक है? गुड मॉर्निंग, चलिए नेक्स्ट। हेलो बेटा, एनिमल किंगडम का आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट फोर। ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छा वेट करो, मैं एक बार जरा इसको चेक करती हूँ, एक मिनट बस। वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ,
अभी आ रही है आवाज, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? किसके कितने पार्ट है दीप्शी, समझ नहीं आया बेटा क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करें अभी, क्लियर है? चलिए सबसे पहले आप लोग अभी नहीं घूमेंगे, अभी आई जस्ट कवर ऑल द थिंग्स। चलिए एनिमल किंगडम तो दीपशी अभी बहुत बड़ा है बेटा, अभी हमको बहुत सारे फाइलम फिर क्लासेस भी करनी है, तो चलो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जंतु साम्राज्य, पौधा, एनिमल किंगडम, जंतु साम्राज्य। सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चले आगे, बाय वासु। स्पॉन्जेस अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्पॉन्जेस, मोर देन मिलियन स्पॉन्जेस आर देयर, इसलिए पार्ट्स नाइन नहीं है, फाइलम नाइन है। हम लोग पार्ट्स तो बहुत सारे बनेंगे इसके, पार्ट्स आर ये जो मैं बना रही हूँ एंड फाइलम जो इसके होते हैं, मतलब कितने फाइलम हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, कल हमने पढ़ा था इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट व्हाट, स्पॉन्जेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? एस्केहेल्मिन्थेस। कल हमने कौन सा पढ़ा था? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर हमने देखा था कि भैया उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या थे, सेल क्या था, ये क्या था, सेल कैसे काम कर रहे थे, इस तरीके से हमने सारा कल उसका पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में। एस्केहेल्मिन्थेस
क्या अभी मेरी आवाज क्लियर है? एंड सॉरी फॉर दिस, टेक्निकल प्रॉब्लम है यार, कभी भी आ सकती है, मशीन भाई कभी भी खराब हो जाती है। अभी आवाज आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही? एनिमल किंगडम इज जंतु साम्राज्य, तो किंगडम की हिंदी क्या हुई बेटा? साम्राज्य। एनिमल की क्या हुई? जंतु। चलो फाइनली ठीक है। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु साम्राज्य, हम जंतु साम्राज्य के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज एनिमल किंगडम या व्हाट इज जंतु साम्राज्य, क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके 3-5 पढ़ लिए हैं। 3-5 पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 4 से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड विनोद, गुड मॉर्निंग। चलो प्रॉब्लम था वॉइस में कुछ, आई गेस अभी क्लियर होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज कभी भी आ जाते हैं, कुछ पता नहीं होता इनका। चलो थैंक गॉड नाउ क्लियर। आप एक ग्रुप आता है, एक फाइलम आता है, एसके हेलमिंथेस। फाइलम क्या होता है बेटा? मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो हम कैसे करते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, कोई बात नहीं है, रहा ही है ना, बहुत बढ़िया बात है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट इज स्पीशीज। ये क्या होता है भाई? ये होता है उसका साम्राज्य, फिर आता है उसका राज्य, फिर आती है उसकी कहाँ वो रहता है, फिर आता है क्रम, फिर आता है उसका परिवार, फिर आती है उसकी प्रजाति, फिर आती है उसकी जाति। जैसे आप और मैं, हम सब लोग क्या हैं? हेलो मुकुल बेटा, मैं इसका सिलेबस आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ, अगर आप इतनी बार मैसेज करोगे तो पीछे से हमको लॉक कर देंगे, स्पैम मत करो। चलिए अगर हम सब, आपकी और मेरी बात करूं तो वी ऑल आर ह्यूमंस। हम लोग सब क्या है बेटा? हम लोग जीनस है, ह्यूमन है। पर अगर हम लोग देखें, हम लोगों की जातियां अलग है। आप लोग कोई पंजाबी होगा, कोई बिहार से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई आप मतलब अलग अलग स्टेट के हो गए, आप लोग अलग अलग हो गए। तो अब क्या होता है भाई, जाति क्या होती है? जाति इज वेरी डिफरेंट, पर आप लोग सभी क्या है? प्रजाति एक है। हम लोग सेम जीनस है पर वी आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो हम जब भी जो भी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम में, यहाँ बात तो कर रहे हैं सारे जंतुओं में, उन जंतुओं के राज्य अलग अलग हैं, लेवल अलग अलग हैं। तो लेवल में सबसे पहले हमने कल देखा था पॉलीफेरा, पॉलीफेरा में हमने स्पॉन्जेस पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसके हेलमिंथेस, ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसके हेलमिंथेस। बेटा अभी आप चेक करो क्योंकि वॉइस मेरी साइड से अब क्लियर है। मुकुल अभी हम लोग बेटा ये पढ़ रहे हैं सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बायोलॉजी। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये हम लोग कॉमन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो, जो निमेटोड्स होते हैं ये यूजुअली डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। बेटा आप लोग बहुत सभी लोग होंगे जो खेती बाड़ी करते होंगे, जिन लोगों के खेत होंगे, ठीक है, जो खेती बाड़ी करते होंगे, जिनके खेत होंगे अपने, उन ये वाली जो निमेटोड्स होते हैं, जो एस्के हेलमिंथेस होती हैं, ये आपकी क्रॉप्स को, ये आपकी खेती बाड़ी को खराब करते हैं, ये आपके खेतों को नष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर, ध्यान रखिएगा, कल जब हम लोगों ने पॉलीफेरा पर क्वेश्चन कर रहे थे मॉक के अंदर, तब आप लोगों को आंसर नहीं आए थे, इसीलिए याद रखना, इट लिव्स इन फ्रेश वाटर। स्पॉन्जेस यूजुअली कहाँ रहते हैं? स्पॉन्जेस आर मरीन वाटर,
कुछ आर फ्रेश वाटर, ये कंप्लीटली आर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या हो गया भैया, नदी नहर इन सब में। गुड मॉर्निंग अहमद साहब, देखिए बेटा ये कैसे नष्ट करते हैं, पहले तो वीडियो देख लीजिए। ये जो कीड़े हैं ना, ये हैं निमेटोड्स, छोटे छोटे कीड़े रूट्स के अंदर चले गए, रूट्स के अंदर आकर ट्यूमर जैसा कुछ बना लिया, रूट्स पूरी फट गई। और ऐसे अलग अलग जगह से फट जाती है रूट्स, रूट्स फट गई, पानी नहीं मिलेगा, मिनरल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये मुरझा जाएगी। मतलब ये जड़ों में घुसती है, इसको रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए जड़ चाहिए, और सारा का सारा पानी ये खींच लेती है। जड़े इस तरीके से हो जाती है, ट्यूमर 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 बना लेती है हर जगह पे। जो पानी जड़ों में जा रहा है बेटा, वो सारा का सारा पानी कौन खींच रहा है, वो सारा का सारा पानी खींच रहा है आपके निमेटोड्स, ये वाले जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये सब खींच ले रहा है। तो जो जड़े होती है वो इस तरीके से हो जाती है, पूरी जड़ों में ट्यूमर आ जाता है इस तरीके से। और नॉर्मल जड़े इतनी पतली होती हैं, पर जब इनके अंदर वो आ जाता है निमेटोड्स आ जाते हैं, तो जड़े इतनी मोटी हो जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? डन। जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स हमको मिला था इसका, कि हमको पता लगा भाई ये भी इस तरीके के जीव होते हैं, इसके जो फॉसिल्स थे, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म जो हमको मिला, उसका रिकॉर्ड बेटा एक्वाटिक नेमेटोड्स का है। वो हमको सबसे पहली बार मिला ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में। ठीक है, अनुरागी आर्मी की क्लासेस चल रही है, ये एसके हेमंत है सर, निमेटोड्स जो होता है इनको। अब खेती बाड़ी बेटा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा खेती बाड़ी इंडिया में ही होती है, पर ये जो बीमारी वाली चीज है ना, ये लोग लेकर आते हैं, हम लोग बेचारे साफ देख के बोलते हैं भाई तू अकेला क्यों परेशान है, आधी बीमारियां में हम भी बीमार होते हैं तेरे साथ, समझो? तो हम भी क्या करते हैं इनके साथ जा जा करके क्या करते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये सबसे पहली बार हमको मिले ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में। जो निमेटोड्स होते हैं वो यूजुअली 1 से 15% ऑफ ज़ूबेंथिंग बायोमास बनाते हैं लेक्स के अंदर। मतलब पानी के अंदर जो जिंदा पौधे पाए जाते हैं वो हमारे निमेटोड्स होते हैं, मतलब जिंदा जीव जो बनाते हैं वो निमेटोड्स होते हैं। 1 से 15% लेक्स में पाए जाने वाले हमारे निमेटोड्स हैं। ठीक है यार, हम पता नहीं आज क्या हो रहा है, साउंड में कोई प्रॉब्लम ही आ रहा है। विल यूज माइक फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, विल ट्राई टू यूज माइक फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। जो लेंथ होती है नेमाटोड्स की, जो लेंथ होती है बेटा वो रहती है 1 to 8 centimeter, लेंथ इज 1 to 8 centimeters। चलिए
अगर आप लोग प्लस कोर्स लेना चाह रहे हैं तो यूज माई कोड नुपुर 11, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यूज माई कोड नुपुर 11, इससे आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप लोग प्लस लेकर के ठीक है, अब प्लस कोर्स में क्या फायदा है, प्लस कोर्स में ये फायदा है बेटा कि जब आप लोग प्लस कोर्स लेते हैं तो प्लस कोर्स के अंदर आपको एक महीना पहले आप लोगों का शेड्यूल मिल जाता है कि भैया इस तरीके से क्लासेस होने वाली है। ठीक है, और साथ साथ में आप लोगों को हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, आपको नोट्स प्रॉपरली क्लास के अंदर बनवाए जाते हैं, देन आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि ये वाला बैच लेने की, तो बेटा आप लोग आराम से इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, ये रेंज कहाँ से करते हैं बेटा, 2.5 mm मीटर लॉन्ग होते हैं, और जो लॉन्गेस्ट निमेटोड है, जो आज तक का सबसे बड़ा निमेटोड है, वो 13 meters लॉन्ग है, जो स्पर्म के अंदर रहता है, वेल के स्पर्म के अंदर घुस जाता है। ठीक है, देखो इस तरीके से निमेटोड्स जिंदा रहते हैं। सबसे छोटा निमेटोड, सबसे लंबा निमेटोड, लॉन्गिडोरस, लॉन्गिडोरस इज द लॉन्गेस्ट निमेटोड्स, जो 13 meters लॉन्ग है। लॉन्गिडोरस इज द लॉन्गेस्ट निमेटोड्स विच इज 13 meters लॉन्ग, 13 meters जितना ये लंबा है। चलिए, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ट्राइकोनियासिस। ट्राइकोनियासिस एक बीमारी है, ये किससे हो जाती है, निमेटोड से हो जाती है। इसका नाम होता है ट्रिकिनेला स्पाइरालिस। ये नाम सारे याद रखना, ये नाम सारे याद रखना बेटा, नाम है बच्चा प्रियंका, नाम है बेटा ये। ठीक है, ट्राइकोनोसिस ये एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी किससे हो जाती है, एक निमेटोड से हो जाती है, जिस निमेटोड का नाम क्या है, ट्राइकिनेला स्पाइरालिस होता है। ये ह्यूमन से किसी कुक्ड मीट, पॉक, इन सब चीजों की वजह से आपकी बॉडी में चले जाता है। ठीक है, जब आप पॉक्स खाते हो, पिक्स खाते हो, नॉनवेज खाते होंगे उसमें पिक्स भी खाते हैं, और या अदर वाइल्ड कार्निवर्स खाते हैं जैसे बियर्स। अब भाई हम लोग तो बियर्स नहीं खाते हैं, हम लोगों के यहाँ तो क्या चलता है, दो चीजें भाई। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो ज्यादातर क्या खाते होगे, चिकन खाते होगे या मीट खाते होगे, दैट्स इट। आप लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन थोड़ी है। ठीक है, इस तरीके से बॉडी के अंदर घुस के बैठ जाता है और बॉडी में ट्यूमर यानी कि गांठे बना देता है, सिस्ट बोलो या ट्यूमर बोलो। ठीक है, इस तरीके से बॉडी में ट्यूमर बना देता है, बॉडी की पूरी सरफेस के ऊपर ऐसे बल्जेस आ जाते हैं, पूरी स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे निशान पड़ जाते हैं, मोटे मोटे दान हो जाते हैं, मोटे मोटे हाँ प्रवेश कर जाते हैं। एक क्यूबिक मीटर जो सॉइल होती है उसमें 1 million से ज्यादा ये पाए जाते हैं। ये हर जगह है, फ्रेश वाटर में भी है, सॉल्ट वाटर में भी है, यानी कि समुद्र के पानी में भी है, नहीं यार वेजिटेरियन देवदूत, माउंटेन्स में भी होता है, बॉटम ऑफ ओशन में भी होता है, डेजर्ट में भी होता है, मार्शेस में भी होते हैं। मार्शेस क्या होते हैं बेटा, दलदली इलाका, जहां पे दलदल होता है ना, उन जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। चलो, दो स्पीशीज हैं जिनका नाम है हेलीसिफेलोबस एंड प्लेक्ट
टस, ये कहाँ रहते हैं? 3.6 किलोमीटर रहते हैं अर्थ सरफेस पर, मतलब इतना डीप रहते हैं, इतना ज्यादा डीप रहते हैं। इसके लिए बेटा दीपश्री हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, साथ साथ हम लोग इसके लिए निमाटोड एंटी निमाटोड जेल का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयां आती हैं जिसको रब कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत नीचे रहता है 3.6 किलोमीटर अर्थ सरफेस से। दूसरा ये हर्बीवोर्स भी है, ये कार्निवोर्स भी है, ये पैरासिटिक भी है। पैरासिटिक मतलब वो जीव है बेटा जो आपकी बॉडी में घुस कर आपका खाना छीन सकता है, आपकी बॉडी में एंटर करके आपका खाना छीन सकते हैं कि भैया ये खाना हमको चाहिए, ये खाना हम खा रहे हैं, कर लो आपने जो करना है, आपकी जो मर्जी है। ये होते हैं देखो, दिखने में तो बड़े सुंदर है ना, क्योर बेटा जेल्स आते हैं इसके, इसके अलग अलग चीजें आती हैं जिससे हम इसका क्योर कर सकते हैं। बेटा क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के बैठ जाता है और ये क्या करता है, वहां पर डिवाइड होता है, खाना नहीं खा रहा है वहां पर जाकर के डिवाइड हो रहा है प्रियंका एनआरबीएस, और ये क्या करेगा, आप जब डिवाइड होगा तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक होने पर क्या करेगी भाई, खाने को डाइजेस्ट नहीं करेगी, खाने को डाइजेस्ट नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बताइए, इसीलिए जब मैंने क्लास शुरू करी थी तभी मैंने बोला था बेटा एक तो ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, चुपचाप आके पढ़ लीजिएगा इसको, कोई भी ऐसा वो नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्लास नहीं होगा जहां पर आपको इतना डिटेल में से पढ़ाया जाए, तो आपको ऑप्शन नहीं है बेटा, यहां से पढ़िए और नोट्स अपने खुद बनाते जाइए, ठीक है। और दूसरा बेटा इसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा आपको, निमेटोड्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज तो हम सिर्फ इसके फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना आप लोग के एग्जाम में हम वो पढ़ रहे हैं भैया, एक मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कल अगर आप लोग को नहीं पता है तो हर यूट्यूब पे जो भी पढ़ाते हैं बेटा इस पे आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बिल्कुल फ्री होता है, लर्निंग ऐप पर ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसके अंदर बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं उस पे आए हुए आज तक के सभी क्वेश्चन, चाहे वो आपके सीजीएल में आए हो, चाहे वो सीएचएसएल में आए हो, चाहे वो जेई में आए हो, चाहे वो आपके सब इंस्पेक्टर में आए हो, चाहे आपको स्टेट कांस्टेबल में आए हो, हम वो हर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सीडीएस यूपीएससी लेवल तक का सब, ताकि जो आप पढ़ रहे हो आपको पता लगे भाई इस पे क्वेश्चन कैसे आने, और जहां गलतियां होती है वो हम करते हैं। सीडीएस एनडीए नेवी एसएसआर डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं एमएनएस उन सभी के प्रीवियस ईयर हम लोग रात को करते हैं 9:30 बजे, ठीक है। अभी 9:30 से आप लोगों की क्लास है, अभी 9:30 से आप लोगों की क्लास है इसी जगह पर अनअकैडमी पर, ये बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ आप बुक चेक कर लो सीबीएसई की, आपको बुक में भी सारे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ बीच में मिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर एनसीईआरटी से पढ़ना नो इश्यूज, पर आकर के जरा मॉक दिया करो बेटा, मॉक बिल्कुल फ्री होता है, आपको इसे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का जो पढ़ने का तरीका है, आप लोग का काम करना है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे करना है, ठीक है। चलो एक निमेटोड्स 1000 eggs को, थाउजेंड्स ऑफ eggs को ले करता है एक टाइम पे, एक निमेटोड 1000 अंडे देता है, थाउजेंड्स ऑफ eggs को रिलीज कर देता है। ये eggs क्या है बेटा, ऐसे दिखाई देते हैं, देखो कितने सारे एग्स है ना एक टाइम पे भैया, 1000 egg कर रहा है, तो सोचो अगर आपके पास में दो या तीन निमेटोड हो तो आप लोग कितने सारे निमेटोड्स बन जाते हैं और कितनी जल्दी खराब हो जाता है। श्योर है बेटा टाइम ऑलवेज बदलता रहता है, आज 9:30 से अभी 1.5 hours के बाद 9:00 की क्लास फिनिश होगी, 9:30 से आप लोग का मॉक स्टार्ट है। हाँ
बिल्कुल सही प्रियंका, टायरेबस से वॉशरूम या आपके एक्सक्रीशन में दिक्कत आती है। नेमाटोड्स जो होते हैं वो अनयूजुअल फीचर रखते हैं भैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अलग सा इसके पास में फीचर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिली, जिसके अंदर हर इंडिविजुअल सेम स्पीशीज का होता है, हर इंडिविजुअल एक ही प्रजाति का होता है और सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं सारे। हाँ हाँ प्रियंका, 9:30 मॉर्निंग में, अभी 9:30 AM पर आप लोगों का मॉक है, ठीक है। कल हमने पॉलीफेरा का मॉक किया था। नेक्स्ट ब्यूचेरिया, भैया ये तो बीमारी आपकी तो आपको पता ही होगा, दीज इट इज ऑल्सो अ नेमाटोड्स। ये ब्यूचेरिया, इसका पूरा नाम होता है ब्यूचेरिया ब्रैंकॉफ्टी, इसका पूरा नाम होता है ब्यूचेरिया ब्रैंकॉफ्टी। ये ब्यूचेरिया ब्रैंकॉफ्टी क्या करता है, आपकी बॉडी में घुस जाता है, आपका हाथ पैर कान उंगली किसी भी एक अंग को एलिफेंट की तरह बड़ा कर देता है, इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। बेटा ये एलिफेंटियासिस उन जगहों पर ज्यादा होती है जहां पर समुद्र या फिर आपके नदी या फिर आपके इस तरीके के जीव रहते हैं, वहां पर ये वाली चीजें ज्यादा होती है, ठीक है। नहीं नहीं इस टॉपिक पर नहीं आज, देखो दैट इज एलिफेंटियासिस। दिख रहा है इसका पैर कैसा हो गया, इसका पैर नजर आ रहा है, ये देखिए कितना मोटा हो गया इसका पैर, रुपेश कल हुआ था बेटा रात को 8 बजे, क्योंकि कल थोड़ा प्रॉब्लम था ना अकेडमी आप पर, इसलिए। अब ये क्या करता है बेटा, आपकी किसी भी ब्लड वेसल में आकर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। हाँ रुपेश इसे हाथी पांव भी बोलते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, जिस जगह पे ज्यादा डिवाइड हो जाएगा वहां पे आपका पैर हाथी के जितना लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं हाथी पांव या एलिफेंटियासिस। हाथी पांव या एलिफेंटियासिस बिल्कुल। ब्यूचेरिया भी क्या होता है बच्चा, ब्यूचेरिया भी एक तरीके का नेमाटोड है। गुड मॉर्निंग नवाब, क्लास खत्म होने के टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, देखो जरा ये कैसे आता है। इस बीमारी को फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, मच्छर ने काटा, देखो मच्छर कैसे काटता है आपको, ऐसे काटा उसने, ब्लड लेने से पहले वो सलाइवा देगा, सलाइवा कहाँ चला गया, आपकी बॉडी में चले गया, आराम से चला गया। ये फाइलेरिया आपकी ब्लड में घूम रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है। 9 से 14 दिन इसको लगते हैं इंक्यूबेशन होने में और ये पूरा बड़ा हो जाता है, अपना अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, बड़ा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बहुत सारे बन गए। अब क्या करेगा, हर एक नेमाटोड 1000 ऑफ एग लेकर देगा, ठीक है 1000 ऑफ एग लेकर देगा, 1000 अंडे दे देगा। अब एक निमाटोड 1000 अंडे देगा तो सोचो कितना बढ़ जाएगा। फिर ये ब्लड में सब घूमने लग जाता है, ब्लड सेल्स में घूमता है, फिर आपको जब मच्छर खून चूसता है फिर ये मच्छर की बॉडी में चले जाता है क्योंकि ब्लड में आ गया, फिर ये मच्छर जाके दूसरे को काटेगा, ये दूसरे की बॉडी में हो जाएगा, मच्छर की बॉडी में चला गया, स्टमक में चला गया, पेट में जा रहे हैं, पेट में जाने के बाद ये इसके भी सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये, सलाइवरी ग्लैंड्स को जाकर के इन्फेक्ट कर देता है, बैठ जाता है वहां पर,
फिर जब ये आपका खून चूसने आएगा, सलाइवा आपकी बॉडी में डालेगा, तुरंत से नेमाटोड्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे। और ऐसे ये पूरा फैल जाता है 30 दिन के अंदर। समझ में आया ये कैसे काम करता है? ठीक है, ये कैसे काम करता है समझ में आया? एलिफेंटियासिस ठीक करने का एक तरीका होता है बेटा ऑपरेशन, पर 90% केसेस में इसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक और नेमाटोड होता है जिनका नाम होता है एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हुक वॉर्म भी कहते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है इंसानों के लिए, ये बहुत डेंजरस होता है। ये कौन सी बीमारी कर देता है? ये करता है एंक्लोस्टोमियासिस। एंक्लोस्टोमियासिस नाम की बीमारी जो करता है वो एंक्लियोस्टोमा होता है। एंक्लियोस्टोमा होता है, देखो ऐसा होता ही है, पूरा पैर की नस के अंदर चला जाता है और इस तरीके का नजर आता है। दिख रहा है पूरा पैर पे नजर आ रहा है, देख रहे हो आप? देख रहे हो राउंड वॉर्म बेटा? ऑपरेशन करके निकालते हैं नसों में से इनको, नस में घुस के बैठ जाते हैं किसी भी, सारा खून चूसते रहेंगे साथ साथ। ऑपरेशन कोई और तरीका नहीं बेटा इसको ऑपरेशन। स्किन को पेनिट्रेट करेगा और स्किन के अंदर घुस जाएगा खाने से या एंटर डायरेक्ट। ठीक है, एलिफेंटियासिस का भी बेटा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके इसके जिस ऑर्गन में ये डिवाइड कर रहा होता है बहुत ज्यादा बार, उस ऑर्गन के डिविजन्स को फाड़ते हैं, उसमें से सारे सेल्स निकालते हैं बाहर, उसको दोबारा बंद कर देते हैं। पर 90% केसेस में, मैं बार बार बोल रही हूँ, 90% केसेस में एलिफेंटियासिस का कोई इलाज नहीं होता। पूरी लाइफ लॉन्ग आप इस बीमारी के साथ ही घूमते हो। आगे बढ़ने से पहले फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, समझ में आया? आगे चलूं? इन सब से प्रोटेक्शन आप सिर्फ मच्छरों को दूर रख सकते हो, सफाई कर सकते हो बेटा। मच्छरों को दूर रखो, सफाई करो, घर के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल क्लीन रखो। आप ऐसे करके इसको संभाल सकते हो कि भैया हमको इस बीमारी से बीमार नहीं होना। आ तो ये एनीवेज मच्छर से ही रहा ना, ये आपके गंदे खाने पानी से आ रहा है। प्रियंका बेटा यूट्यूब पे ना स्लॉट्स होता है, बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाना होता है ना, इसीलिए बच्चा एक बार ही पढ़ा लो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। 9:30 पर 9:30 to 10:30 आप लोगों की क्लास होती है, क्लास है अभी यहां पर जो मॉक क्लास है, इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में बेटा हम लोग आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस डिस्कशन में क्या होता है बेटा, आप लोगों को पोल मिल जाता है 1, 2, 3, 4, आपको जो सही आंसर लगे आप मार्क कर दो। इससे एक तो आप लोग कितनी देर में आप लोग आंसर मार्क करो ये पता लगता है, दूसरा बहुत सारे बच्चे बैठ करके ये मॉक देते हैं, तो इस मॉक के अंदर आप लोगों की रैंक क्या आ रही है इतने बच्चों में आपको वो पता लग जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को लिंक ना मिले तो आप लोग मुझे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर मैसेज कर सकते हो। आप लोग को बहुत आसानी से फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम
अगर आप नुपुर गुलाटी लिखेंगे तो मैं आपको बहुत इजीली मिल जाऊंगी। आप लोग अगर नुपुर गुलाटी लिखेंगे ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हो पर्टिकुलर टॉपिक से। डन, ये बात समझ में आई है कैसे कैसे बॉडी में फैल रहा है? देखो एलिफेंटियासिस में भाई क्या हुआ, इस जगह पर मेरे को पता लगा, एक इस जगह पर नस वाली जगह पर इसने क्या करा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए। तुक्का मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगी शौर्य जी, ठीक है। इस जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब भाई अगर मुझे इसको ठीक करना है मैं क्या करूंगी, ऑपरेशन करके कौन सी जगह पर, एक्सरे करके देख लेंगे, एक्सरे या सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी, कोई भी ऐसी चीज, मतलब डिपेंड करता है ये कहाँ पर है, किसी भी टेक्निक से हम लोग चेक कर लेंगे कि बेटा ये कैसे है, कहाँ पर है ये, इसको कट लगाएंगे यहाँ पर, काटेंगे, काट करके सारे निमेटोड्स को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में क्या हो जाता है, सारे निमेटोड्स बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद ये स्किन पतली हो जाएगी, चांसेस आर देयर कि ये दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते हम। पूजा, मैंने आपको जो कल लिंक भेजा था ना बेटा, ऐसे ही लिंक आज अभी आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पर, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा, आपका नंबर वो आपसे मांगेगा, आपको नंबर अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नंबर रजिस्टर कीजिएगा बेटा, और आप लोग आराम से उसको मतलब ऐप में ऐप डाउनलोड आई गेस आपको करना पड़ता है, फिर आप लोग उसको मॉक दे सकते हैं आराम से, ठीक है। पूजा, आपको मैंने ग्रुप का जो लिंक भेजा था व्हाट्सएप पे, आप वो व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आया वहां मैसेज कर दो, कोई ना कोई आपको वहां से रिप्लाई कर ही देगा कि ये कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक सेंड कर दूंगी अभी, ठीक है। डन, चलिए तो क्लास को आज फिनिश करते हैं यहां पर। अगर आपने कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं ना, टच करने से नहीं फैलती है बीमारी एलिफेंटियासिस, ये तो अभी देखा ना आपने वीडियो में कि भैया मच्छर काट रहा है, मच्छर के काटने से फैल रही है। हाँ रुपेश, मैं भेज दूंगी बेटा, आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या किसी भी? बेटा यही टाइम होता है 9, 8 to 9 का, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अदरवाइज यही टाइम होता है। जगदीश लिख लीजिए बेटा यहां से स्क्रीन से, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएगा, लिंक वहां पर सारे आ जाते हैं। किशोर लिख लीजिए बेटा, लिखा है वहां पर, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, तो क्लास को मैं एंड करने जा रही हूं बेटा, क्लास फिनिश करती हूँ मैं, मिलती हूँ आप लोगों को 9:30 मॉक टेस्ट में, ठीक है। तब तक सबको मैं लिंक भेज देती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल सुबह नहीं मंडे सुबह सेम टाइम सेम जगह पर, ठीक है, फिफ्थ पार्ट के साथ में, फिफ्थ पार्ट ऑफ व्हाट, एनिमल किंगडम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ बच्चा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी लिंक।
विशाल व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा, लिंक सेंड कर दूंगी। मंडे होगा, बाय बेटा। संडे ऑफ होता है, मंडे क्लास होगा, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लस वाले बच्चे फटाक से प्लस पे जुड़ जाइए।